education with moral values, the only institution with our latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur. कलकत्ता दिन बुंदेलखंड वासियों के लिए बेहद ही खास है क्योंकि 15 तारीख को देश के सबसे चर्चित हस्ती यानी कि प्रधानमंत्री मोदी झांसी आ रहे हैं। यहां आकर वह बुंदेलखंड वासियों को कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 15 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी आ रहे हैं। इसके लिए पहले वो विमान द्वारा ग्वालियर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर द्वारा झांसी की भोजला मंडी पहुंचेंगे। उनके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री व कई बड़े नेता भी इस दौरे में उनके साथ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, साथ ही कॉरिडोर व पेयजल के साथ रेलवे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इस बारे में जिलाधिकारी झांसी शिव सहाय अवस्थी ने इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए जानते हैं कि क्या है इन योजनाओं की खास बातें। देखिए, कल भोजला मंडी परिसर में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और माननीय राज्यपाल महोदय भी आ रहे हैं। यहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि केंद्र सरकार के हैं और राज्य सरकार के हैं, उनके शिलान्यास और लोकार्पण प्रस्तावित हैं। इस कड़ी में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास है, जिसकी कि पिछले इन्वेस्टर समिट में घोषणा की गई थी। तो इसमें डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास होना है। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उनके 7 जिलों के लिए ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के विस्तार की योजना बनाई गई है। उसमें बुंदेलखंड के 7 जिले शामिल हैं जो कि लगभग 9021 करोड़ की लागत से बनने वाली है। तो इस परियोजना का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। साथ ही रेलवे के 3 प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं। एक रेल कोच रिफर्बिशिंग वर्कशॉप इनकी बन रही है झांसी में, जिसकी कीमत लगभग 454 करोड़ होगी। दूसरा, एक झांसी खैरार भीमसेन सेक्शन, इसमें जो रेल विद्युतीकरण है उसका संचालन होने की स्थिति में है। इस कार्यक्रम का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। साथ ही झांसी मानिकपुर और खैरार भीमसेन रेलवे लाइन, ये लगभग 425 किलोमीटर है, इसका दोहरीकरण हुआ है और इस दोहरीकरण के लिए शिलान्यास करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। पहाड़ी बांध आधुनिकीकरण परियोजना, ये सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश शासन की योजना है जो कि लगभग 354 करोड़ से निर्मित हो गई है, ये कंप्लीट है, इसको इसका लोकार्पण होगा। साथ ही एक ट्रांसमिशन लाइन है जो कि उरई में जिसका विद्युत उपकेंद्र बनाया गया है, जो अलीगढ़ से उरई तक की पारेषण लाइन है, इसका लोकार्पण किया जाना है। और अमृत योजना अंतर्गत झांसी महानगर पुनर्गठन पेयजल योजना जो कि लगभग 600 करोड़ की है। झांसी से विवेक दोहरे के साथ मनीष अली की रिपोर्ट।